जैसे अभी दिखना नहीं है, सुनिए, जैसे आप गए बारात में, सिंपल समझो तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। जैसे आप गए बारात में, किसी की शादी में गए, गांव से बारात गई थी, आप भी चल दिए, आप घर वाला कोई जाना तो जाने वाला था, आपने बोला हम ही जाएंगे, आप चले गए, आप गए वहां पर नागिन डांस किए, उसके बाद खाना खाए, खाना खाने के बाद, खाने के बाद आप स्टेज पे गए, आशीर्वाद दिए, उसके बाद घर चले गए। घर आते ही तुरंत आपकी मम्मी पूछ गई लड़की कैसी थी, सिंपल सी बात है, सब यही पूछेंगे लड़की कैसी थी, क्योंकि लड़का तो यहीं से है, सब जानते हैं कैसा है लड़का लड़का तो ऐसी सब देख लेते कैसा है, लेकिन लड़की भाई छुपी रहती है, उसको देखना पड़ेगा कैसी है। अब मान लो कि आप मोबाइल आपके पास नहीं है, क्या करोगे, या फिर नहीं खींचे, मान लो फोटो गलती हो गई, आप चले गए कोई और खींचा, आप पूछ मम्मी पूछी कैसी है, तो आप बताओगे कि अरे भवानी की जो पतोहू है देखे हो, उसी के जैसी है। तो आपने यहां पर जो कंपेयर किया इस दुल्हन के चेहरे की तुलना फलाने की पतोहू से, फलाने समझते हो ना, वही फलाने, तो फलाने की पतोहू यहाँ क्या हो जाएगी, उपमान, जिसके चेहरे से कंपेयर हो रहा है उपमान, और जिसकी शादी से आप आए हो वो क्या हुई, उपमेय, जिसका चेहरा आप कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है फलाने की पतोहू बहुत सांवली हो सकता है सुपनखा जैसी हो उसके नाखून, तो आप जो जो भी कंपेयर करोगे, हो सकता है मेरे कहने मतलब मैंने एक शब्द लिखवाया यहाँ सुंदर हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है बदसूरत भी हो सकता है, गंदा भी हो सकता है। अब आप सुंदर ही याद करो, नहीं हो उपमेय अलंकार हमेशा सुंदरता की बात, की बात तो गलत हो जाएगी फिर, कि बदसूरत भी बनाया जाता है। अलंकार क्या होता, सजाते हो आप ना, सजाते हो किसी को सुंदर भी बनाते हो, किसी को बदसूरत भी बनाते हो। याद है जब आप राम को, लक्ष्मण को, सीता को सजाते हो रामायण के पात्र के रूप में, रामलीला में बहुत खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हो, और वहीं जब रावण के सैनिकों को सजाते हो कुछ भी बना लेते हो, कुछ भी उल्टा सीधा इधर से उधर से इधर से, राक्षस दिखना चाहिए हो तभी तो रावण का सैनिक माना जाएगा, कहीं यहाँ से निकल गया, यहाँ से एक तीर निकाले, यहाँ से तीर निकाले, रावण की मूछें ऐसे निकाल के यहाँ यहाँ तक गुल गुल रखेंगे, यहाँ तक पहुंचा देते हो। ये जो आप अलग से बदसूरत बनाते हो, वास्तविकता ये आपके अलंकार तो बना ही रहे हो, अलंकार तो कर ही रहे हो, बस वो जा रहा है किसी बदसूरती में, और जब आप राम सीता का अलंकार करते हो खूबसूरती में जाता है, लेकिन सजा तो आप दोनों को रहे हो, बस सुन रहे, तो केवल खूबसूरत कहना ठीक नहीं है। जो पहले से ही विख्यात है, अगर उसके चेहरे की तुलना किसी के चेहरे से कर दिया गया, तो जिससे आपने किया, मतलब जिसके चेहरे, जिस चेहरे से आपने किया वो चेहरा उपमेय में आएगा, और जिसके चेहरे की तुलना आप कर रहे हो, जिस व्यक्ति का चेहरा कंपेयर कर रहे हो उनसे, वो उपमान हो जाएगा, उपमान। तो जैसे बोला जाए कि सीता का चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर है, सीता क्या हो जाएगी, उपमेय, और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान। तो हमेशा याद रखना चंद्रमा, चंद्रमा इसमें ना आ रहा है, उपमान में भी ना आ रहा है, ना ना से याद रखना, जब भी कोई चंद्रमा की बात करेगा सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में बात क्लिक कर जाएगी कि चंद्रमा यहाँ कंपेयर करने के लिए आया है, ना कि चंद्रमा अपनी खूबसूरती बताने के लिए आया है, चंद्रमा अपने कंपेयर में किसी की खूबसूरती बताने के लिए आया है। तो जब भी कोई आदमी अपना कंपेयर करके किसी की खूबसूरती बताएगा, तो जो अपना कंपेयर कर रहा है वो उपमान हो जाएगा, और जो उसकी खूबसूरती बताएगा वो उपमेय हो जाएगा। याद रहेगा, क्यों याद रहेगा, चलो मैं एक वाक्य बोल रहा हूं, खरगोश का चेहरा भेड़ की तरह है, खरगोश का चेहरा भेड़ की तरह है, इसमें भेड़ और खरगोश में कौन उपमान है, कौन उपमेय है, हाँ सही है, क्यों है, भुवन आप बताओ, एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, कटरीना का चेहरा ऐश्वर्या की तरह है, कटरीना का चेहरा ऐश्वर्या की तरह है, कटरीना उपमेय है और ऐश्वर्या उपमान है, सही है। अच्छा भुवन का चेहरा आप बताओ भाई, लक्ष्मी, भुवन का चेहरा सूर्य की तरह है, सूर्य उपमान, अभी समझ में आया। कविता आप बताओ, मेरा चेहरा किसकी तरह बनाओ, मेरा चेहरा
चंद्रमा की तरह है। अभी कुछ और अपने लिए कुछ अच्छा ही कर ले भाई, बताओ। चंद्रमा उतने हो गया, चंद्रमा कुछ मैं चंद्रमा से खूबसूरत हूँ, क्या बात है। अरे मेरी बड़ाई इतना ना करो कि तुम गलत नहीं बता दो। मेरा चेहरा चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रमा खूबसूरत है तभी तो मेरे चेहरे की तुलना उससे की जा रही है। चंद्रमा उपमान, चंद्रमा में ना है उपमान में भी ना है। कंपेयर करना, इसके जितने अर्थ अलंकार उपमेय अलंकार पढ़ोगे कम से कम 10 अलंकार ऐसे मिलेंगे जो केवल इसी उपमेय उपमान पे ही आधारित है, और अगर इनमें आप कंफ्यूज हो तो अलंकार गलत हो जाएगा, इसीलिए यहाँ रुक के आपको मैं समझा रहा हूँ। अभी उपमेय उपमान क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट नहीं, पूजा क्लियर है, क्वेश्चन बनाएंगे तब बताएंगे। उपमेय उपमान में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।